कैसा गया पेपर? अच्छा नहीं गया पेपर? तो ये पार्सल में क्या है? गैस करो, गैस करो, मैं ही बता देती हूँ। तो हमने ना दादाजी के लिए मोबाइल मंगवाया है, तो इसमें मोबाइल है। तो अभी कौन सा मोबाइल है मैं आपको ऊपर चल के बताती हूँ। क्या चाहिए देखो? वो तेरे लिए नहीं है। मैं अभी है ना धीरे धीरे बोलना सीख गया, तो मैं अभी देखता इसमें क्या है। ये मेरा दादाजी के लिए वो दे। छोड़ो। हाँ तो इसमें पापा को बुलाने वाली क्या बात है? पापा ये देखो हमने क्या मंगाया। क्या होगा पापा इसमें? हम आज बात करेंगे। क्या मालूम क्या क्या दे रही है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें? ये देखो। अरे बाप रे, तो बड़ा मोबाइल, बहुत भारी है ये। कितना मस्त मोबाइल है ये। रुको पापा इसको हम खोलते हैं। ये देखो ऐसे खुलता है। ऐसा खुलेगा? हाँ खुल जा जल्दी, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है मोबाइल देखने की। आप लोग भी कमेंट्स में बताना आपने ऐसे वाला मोबाइल देखा है क्या। ये देखो ये मैंने ऐसे मोबाइल खोला, इसको ऐसे ओपन करते हैं। ऐसा फिर ऐसा? हाँ वैसे बंद कर देना, ऐसा उसको ऐसे कान में लगा के दिखा। टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना नहीं आता, इसलिए हमने टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं लिया। कैसा है मम्मी ये फोन देखो? बहुत अच्छा है। इसको क्या पसंद आया? पता नहीं उसी को चाहिए वो फोन। गिरेगा गिरेगा, दे इधर मेरे को देखने दे। मुझे देना दोनों मम्मी। अभी मैं ये मोबाइल लेके ना मेरी गर्लफ्रेंड को मैं फोन लगाऊंगा और उससे मैं बात करूंगा रात भर। तो अभी आए हमारे इंटीरियर डिजाइनर, हमें ना अभी डिसाइड कर रहे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होने वाला है सब कुछ डिजाइन। तो चलो मैं आपको भी थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ। तो झूमर जो है वो हॉल में भी लगेगा। और कहाँ पे बोला मम्मी आपने? मंदिर के सेंटर में। हाँ मंदिर के सेंटर में भी झूमर लगने वाला है, बिकॉज वहाँ पे हम महालक्ष्मी वगैरह बिठाएंगे, अच्छा लगेगा वहाँ पे भी। हाँ तो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, तो इसके साइड अपना एक पूरा वार्डरोब बनेगा, वो साइड और एक वार्डरोब बनेगा, क्योंकि दो चिल्ड्रन से कृष्णा के लिए और एक चिंटू के लिए। तो ये दो वार्डरोब हो जाएंगे और सेंटर वाला ये जो विंडो वाला पोर्शन है, इधर ऑलरेडी लाइट और वेंटिलेशन है, तो इधर स्टडी टेबल हो जाएगा उनका। ओके ये साइड अपन बेड डिजाइन करेंगे इधर के साइड। हाँ कृष्णा और चिकू दोनों की फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं ना। देखो मम्मी को है ना ऐसे बनाना है घर में, तो ये कहाँ बना सकते हैं हम? अच्छा हाँ मतलब वहाँ स्टेयर केस के नीचे जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे। यार गाइस ना पढ़ा जा रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ करने का मन हो रहा है, ना नींद आ रही है। करूँ तो करूँ क्या पढ़ाई? कुछ तो नया बोल देता पापा, सही बोला था पढ़ाई करो। आप तो रहने दो पापा, नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई। चलो खोला अपनी बुक। लेकिन पढ़ने से पहले ना मुझे ये रूम साफ करनी पड़ेगी। देखो ये कितना गंदा हो गया है रूम और बेड भी, तो अच्छे से पहले साफ सफाई कर लेते फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि जो रूम मैंने एकदम अच्छे से साफ किया उसमें चिकू और कृष्णा ने आके कब्जा कर दिया और वहाँ वो मोबाइल देखते बैठे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ये भी मैंने साफ कर लिया अच्छे से। जिसके भी पेपर चल रहे कमेंट्स में बता दो सब लोग, और आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में हो ये भी बताना मुझे कमेंट में, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। पढ़ाई तो एकदम अच्छे से चल रही है मेरी, लेकिन है ना पता है मेरा जुकाम है ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है,
और उसकी वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ना सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से है ना रिविजन कर लेती हूँ और दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखती हूँ। बहुत दुख है भाई, पता नहीं ये एग्जाम्स कब ख़त्म होंगे और कब हम सब लोग टेंशन फ्री रहेंगे। तो गाइस हो गई है मेरी रिविजन, पढ़ाई सब कुछ हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भी देख लिए। यार कल का पेपर पता नहीं कैसे जाएगा मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, हर पेपर के पहले बहुत टेंशन होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है मेरा पेपर और घर का काम चल रहा है इसीलिए आवाज़ आ रही है। चलो हम लोग रूम में ही चलते हैं, अभी मुझे रेडी होना और फिर थोड़ी देर के बाद में चलना है एग्ज़ाम सेंटर। अब देखते हैं क्या होता है आज पेपर में, मेरा पेपर कैसे जाता है, क्या होता है, देखते रहिएगा। और हाँ पहले लाइक कर दीजिए, कर दो जल्दी जल्दी। तो आज का पेपर होने के बाद में है ना, और 6 दिन के बाद में मेरा पेपर है और वो मेरा लास्ट पेपर है। मतलब वो पेपर होने के बाद में छुट्टियाँ। बस यही सोच के मैं आज के पेपर के लिए जा रही हूँ। बी पॉजिटिव गाइज। देखो गाइज होली जो है वो 24 को है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ होली के लिए। आप सब लोग एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना। और मेरा बर्थडे एंड चिकू का बर्थडे सैटरडे को आ रहा है 30 मार्च। ओ पापा इसमें की ड्रेसेस क्या है, बार्बी की ड्रेसेस थे ना, बार्बी है ना, न्यू ड्रेस पहन के है ना बार्बा से मिलने गई, बार्बा से, ये बार्बा उसका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। बताओ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, पेपर अभी बस 1 घंटे में हमको निकलना है, तो उससे पहले है ना मैं खाना खा लूंगी। क्या बोला? थैंक यू ब्रो, थैंक्स। और एक बार रिवीजन कर रही हूँ मैं, और मैं आप सबको बताना भूल गई, आज का जो मेरा पेपर है ना वो दोपहर के टाइम को है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया मुझे रिवीजन करने के लिए, तो अच्छी बात है। हाय पापा, गुड मॉर्निंग। हो गई सब तैयारी? हाँ हो गई, बस अभी रिवीजन कर रही हूँ। और एक बार अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना? हाँ अच्छे मार्क्स मिलेंगे पापा, चिल करो आप, टेंशन मत लो। पापा अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो? नहीं मिले तो नहीं मिले, जितना हो सके अपने से जो हो सके वो है ना पूरा करने का, ठीक है, उसके बाद में अगर तुमको कुछ कम ज्यादा मिल जाता तो उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर डालने की बात खत्म कर देने का। मैम अपने तरफ से तो 100% कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, देखते हैं अभी। जाने से पहले रिवीजन चल रही है, खाते टाइम में रिवीजन चल रही है मेरी। हो गई सब तैयारी? हाँ सारी तैयारी हो गई, पेन वगैरह भी ले लिया मैंने, चलने का। लेकिन जैसे खुश क्यों नहीं दिख रहे, ऐसे सैड क्यों है, तो हार्ड पेपर है क्या आज? हाँ थोड़ा हार्ड है आज का पेपर, तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन है ना फिर भी मैं मम्मी पापा को ऐसे थोड़ा स्माइल करके बता रही हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। हाय मम्मी, कैसी लगी आपको घर की डिजाइन बताओ? अच्छी लग रही है ना, अभी तो इसको है ना कलर करना बाकी है, बहुत मस्त लगने वाला है। मम्मी स्नैप निकाल रही है, देखो कैसा लग रहा है अभी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो चलो काम दे, तू टेंशन मत ले। आप पापा मैं भी आपको यही बोलने वाली थी, आप भी टेंशन मत लो। मैं काय को टेंशन लूंगा, मेरी थोड़ी एग्जाम है। लेकिन फिर भी आपको मेरा देख के टेंशन तो होता ही होगा, मैं चलाऊ गाड़ी। नहीं मैं डोर खुला तेरे, आ जा। थैंक यू। अरे बाप रे कितनी गर्म हो गई गाड़ी, सोचू मैंने ये क्या है, कहां उबालने रख दिए थे गाड़ी को, कितनी गर्म हो गई है, यहाँ तो हाथ भी नहीं रखा जा रहा। आ गए हम लोग कॉलेज टाइम के बहुत पहले आ गए, हम नंबर देख के आते हैं पापा। मम्मी और मैं नंबर देख के वापस आ जाती, क्योंकि हम लोग आधे घंटे पहले आए, तो अंदर जाके करेंगे क्या। देख लिया मैंने हॉल नंबर 18 में जाना है मेरे को। चलो मम्मी अभी टाइम है तो गाड़ी में बैठ। यस आधा घंटा बाकी है, इतने जल्दी आ गए हम लोग एक्साइटमेंट में। क्या हो गया? आ गए हम, जाओ ना जल्दी से लेके आओ। क्या लेके आओ रे? पानी की बोतल। घर से लाने क्या होता तुमको? भूल गई मैं, जाओ थोड़ा सा हिलने की कोशिश करो। तू भी हिल थोड़ा। मैं तो हिलती, आप हिलो नहीं, एक जगह पे बैठे रहते डिगल बन के। क्या बन के? डिगल बन के बैठे रहते पापा। ए तू चुप रे चुप। क्या बोला था वो? बोला फालतू बातें सुनने से अच्छा मैं जाके पानी की बोतल लेके आऊं, जान दो तुमको जूसेज पिलाता मेरे को। चलो ये भी ठीक है, देखो लाली पप्पा ने पानी की बोतल एकदम मस्त ठंडी। हिलने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए गाड़ी में से? नहीं
देखो इतनी धूप में हम लोग मस्त ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं। देखो नहीं यार, गेट्स अभी तक ओपन नहीं हुए, सब लोग बाहर खड़े हैं। देखो यहाँ पर मुझे मेरे फैंस मिल गए। हाय, कैसे हो? बढ़िया। मेरा एग्जाम है, ऑल द बेस्ट विश कर दो। थैंक यू सो मच। चलो जा रहे हैं सब लोग पेपर देने के लिए। आजा। अच्छे से लिख एकदम। हाँ अच्छे से लिखती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर। पता नहीं मेरा आज का पेपर कैसे जाएगा, तब तक आप लोग है ना मम्मी पापा के साथ घर जाके दिव्या से मिल लो। चलो चलेगी काव्या अभी एग्जाम में पेपर लिखने, अभी उससे मुलाकात होगी हमारी 3 घंटे बाद। आज का पेपर दोपहर में था, कल से ही वो थोड़ा सा ऐसे सैड सैड थी, टेंशन में थी। पता नहीं मतलब उसकी पूरी तैयारी हुई या नहीं पेपर की। हम इतना उसको ऐसे कोई टेंशन नहीं देते कि तुझे ना इतना लिखना ही है, इतना करना ही है। उसके मन से कि जो जितना वो पढ़ पाए, जितना वो लिख पाए, हम हैप्पी है उसके लिए। मेरे को लगा सो गई। नहीं, हमने उसको बिल्कुल टेंशन नहीं देना चाहिए। काव्य तो चले गए अभी एग्जाम में, अभी खाना कौन देगा मेरे को? दिव्या, ए दिव्या, चल खाना ला। वाह 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 वाह, पानी ला। खाता और मिर्ची खाता खाता मिर्ची मिर्ची खाया मिर्ची थी ना? हाँ अच्छी। हाँ हाँ हाँ, रुक अभी, रुक 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 रुक, आकर हाँ बस बस जा, खा लिया मिर्ची। हाँ जा, अभी 5 बज गए, अभी हमको जाने का है काव्या को लेने के लिए। ए जी चल रहा है तू काव्या को लेने? चल चल चल। और ये देखो ये हमारा है, चल चल। हाँ, चल कितना खुश हो गया ये। चप्पल पहनो? हाँ ठीक है, चप्पल पहनो चप्पल। चलो चलो पप्पा, चलो आ जाओ पप्पा, आ जाओ। हाँ हमने ये लगा के रखे वाला। हाँ आप कौन? तो चलना बैठना फिर छत पे बैठ के आती। चल जी कहाँ बैठा तू अभी? इधर बैठा क्या? हाँ आ जा पापा। वैसे मेरी बैठने की जगह तो ड्राइविंग सीट है, लेकिन अभी तुम बैठे वाले तो तो हम लोग पहुँच गए काव्य का कॉलेज में, लेकिन अभी तक पेपर छूटा नहीं शायद से। कैसा गया पेपर? कैसा कैसा गया? कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कैसे तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा? अच्छा गया ना। अच्छा नहीं गया पेपर? कितने मार्क का लिखा? हाँ पासिंग का लिखा, मतलब लिखा तो है सब। पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ना? हाँ। अरे कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं होता। बहुत डर लगता है। हाँ अरे कुछ नहीं होता, चल। उसका पेपर अच्छा नहीं गया उसका। कुछ नहीं होता काव्या, बेटा रोमत रोमत तुमने तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज तो रोमत है। अच्छा जाएगा, कुछ नहीं नेक्स्ट टाइम। रोमत रोमत बच्चा, प्लीज प्लीज रोमत। अरे कुछ नहीं होता, चल चल रोमत, चल मम्मी रुक ले बाहर। हां कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं। ऐसा अच्छा तो नहीं, अच्छा गया कभी अच्छा गया, चलते रहता ना बेटा, ऐसा होने का नहीं। हां ना करो रोमत, कुछ नहीं होता, चल। हां मैं कब से, अरे 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 अरे
अरे क्यों पैर छू रहे हो? अरे इधर जरा साइड हो जा। मम्मी भी आई है? हाँ मम्मी आए ना, मम्मी गाड़ी में बैठी चीकू लेके। अच्छा चीकू भी आया? हाँ हाँ। हाय ची। हाय, ये तूने क्या किया? कैसे गया पेपर? ठीक गया। अच्छा नहीं गया ना? कितना क्यूट लगा। पानी क्यों नहीं पी? टाइम भी नहीं मिला पानी पीने का। अच्छा नहीं गया? नहीं, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं गया। लिखा है पासिंग, जितना लिखा मम्मा। अरे कुछ नहीं होता, तू पास हो जाएंगे, टेंशन मत ले। क्या रोना क्या है इसमें, हो जाता है खादा पेपर ऊपर नीचे। मैं कितना रिवीजन किया था। ठीक है ना, कुछ नहीं होता। एक आधा पेपर कम अच्छा जाता है, एक आधा अच्छा जाता है, उसमें क्या? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा तो नहीं। अरे कुछ नहीं, लिखा तूने बस। हाँ। हो गया, और इतना भी उसको टेंशन नहीं लेते, वरना आगे के पेपर के बारे में सोचना। हाँ। बस अभी हो गया, जो हो गया सो हो गया। मैं हम कुछ बोल रहे क्या तेरे को? हाँ ना, तू क्यों रो रही? हाँ? हम जितने भी मार्क्स आएंगे हम खुश है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम खुश है, जितने मार्क्स आएंगे हम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज्यादा हार्ड था, और आज का जो पेपर है उसमें स्कोरिंग थोड़ी सी कम होगी, इसीलिए मेरे को टेंशन आ रहा है। आ गए हम लोग घर पर। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।